फाइनली बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ी ओपनिंग और एक जबरदस्त रीमेक देने के बाद शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले अजय देवगन ने पोस्ट किया है अपनी नई मूवी भोला का मोशन पोस्टर ऑन हिज इंस्टाग्राम और मुझे इसकी यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं मिल रही थी, तो हालांकि मैंने एक दफा स्टार्ट किया देखना लेकिन वो ब्रेकडाउन वीडियो ही थी किसी की जिसने टी सीरीज का लोगो लगा के धोखा दिया मुझे। खैर अभी मैं देखने लगा हूँ इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने पोस्ट किया वीडियो वो देखते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होने वाली है ये मूवी। बाय द वे अगर आप लोगों ने अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाएं जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नीचे कहीं बटन होगा रेड कलर का होगा या पता नहीं किस कलर का होगा, चेंज करते रहते हैं ये लोग चीजें, बट खैर नीचे कहीं सब्सक्राइब का बटन है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नबील शहजाद की रिव्यूज रिएक्शन और इस तरह की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती है। बाय द वे वेट किस चीज का करें, लेट्स फर्दर डू माय फैमिली जंप इनटू द वीडियो। अच्छा जिस तरीके से ये वाला सीन दिखाया ना पाउडर लगाने वाला सर पे, इससे मुझे वो इनकी एक और मूवी थी शिवाय उसकी वाइब्स आ रही, जिसमें भी ये वो शिवाय इनकी आई गेस अजय देवगन ने खुद प्रोड्यूस की थी वो भोला भोले, सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द नेम। अ फिल्म बाय अजय देवगन इन 3D, अभी 3D चलता है कि 3D तो फ्लॉप नहीं हो गया? कल आ रहा है टीजर। ओके बाय द वे ये होने वाली है कैथी यूनिवर्स में जो मूवी है कैथी ही उसका रीमेक होने वाली है ये मूवी भी। और जिस तरह अभी रिसेंटली अजय देवगन की दृश्यम 2 ने तोड़ा है वो मिथ के रीमेक होंगे तो चलेंगे नहीं, भाई पिछले इस साल की यानी पिछला साल ही हुआ है इस साल की वन ऑफ दी सेकेंड हाईएस्ट ओपनिंग ली है उस मूवी ने, तो उस वजह से तो वो मिथ टूट चुका है कि रीमेक है तो नहीं चलेगा, अच्छा रीमेक होना चाहिए। खैर अच्छा रीमेक तो वो भी थी, क्या नाम है उसका, विक्रम था, वो भी अच्छा रीमेक थी लेकिन वो नहीं चल पाई। खैर ये इस मूवी की चलने का एक और रीजन था कि इसका फैन बेस भी था ओरिजिनल जो पहले अजय देवगन वाली उसका फैन बेस भी था, क्योंकि ओरिजिनल जो अजय देवगन की दृश्यम 1 आई थी 2 नवंबर को और 3 नवंबर को वाला जो सीन था ना वो लोगों के दिमाग में बसा हुआ था, वो भी रीजन था कि फैन बेस था बिल्डेड ऑलरेडी कि इसका पार्ट 2 आता तो वो देखते। एक और चीज कि जो ओरिजिनल दृश्यम 2 है वो हिंदी में कहीं आपको अवेलेबल नहीं थी, तो आपको अगर देखनी है तो आपको दृश्यम 2 ही अजय देवगन वाली देखने को मिलनी थी, एक ये चीज थी। और ये पहले से ही डील में था कि उसका रीमेक उसकी डब नहीं कर सकते हिंदी में, ये इस वजह से आपको फायदा होगा। लेकिन अब ये जो मूवी कैथी मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी थी मुझे याद है, और पता नहीं मैंने उसका रिव्यू किया था कि नहीं किया था, लेकिन कैथी मैंने देखी हुई है और विक्रम यूनिवर्स में विक्रम नहीं खैर मैंने देखी ना, मैंने उसका टीजर देखा ना ट्रेलर देखा, मुझे नहीं पता कि ये इससे एक नया यूनिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं बॉलीवुड में कि नहीं, लेकिन ऑब्वियसली देखते हैं कि क्या होता है रीमेक, जिस तरह रीमेक्स के साथ पिछले दिनों में हो रहा था फ्लॉप पे फ्लॉप, ये वाला रीमेक चल पाता है कि नहीं। बाकी अजय देवगन के काम और यार अजय देवगन का ना काम मैंने एक चीज फील की है कि हर मूवी में सेम ही होता है, लेकिन क्या है कि क्योंकि उनकी ग्रैंडियर है इतना कि आप उसमें भी डूब जाते हो, नहीं तो अजय देवगन कोई भी रोल करेंगे ना वो एक ही टाइप की एक्टिंग करेंगे, लेकिन हम इनटू हो जाते हैं क्योंकि अजय देवगन का एक तो नाम और एक इतना फेमस हो चुका हुआ है बंदा कि वो अपने एक बिल्डअप कर चुका हुआ अपने ऑडियंस, तो उसकी ऑडियंस देखेगी देखेगी। अब दृश्यम में भी मुझे समटाइम कहीं कहीं फील हो रहा था कि वो फ्लैट जा रही है उनकी एक्टिंग, लेकिन क्योंकि हमें आदत हो चुकी हुई उस चीज की तो हम उस चीज को नोटिस भी नहीं करते। बाकी ये देखेंगे कि विक्रम यूनिवर्स हिंदी में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं या भोले यूनिवर्स स्टार्ट कर दे, इधर इतने यूनिवर्स बन रहे हैं इनको मतलब कहीं लिखना पड़ेगा मुझे लगता है, अब इतने यूनिवर्स आ रहे हैं जैसे अभी हनुमान का यूनिवर्स आ रहा है तो बहुत सारे यूनिवर्स आ रहे हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू ऑन भोले मोशन पोस्टर, कल टीजर आने वाला है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं टीजर के ऊपर वीडियो डालूं तो आपको देखने को मिल जाए। चलो मैं नहाने जा रहा हूं, मुझे इवेंट के लिए निकलना है, एंजॉय लाइफ बाय, टेक केयर, पीस।